नशे के खिलाफ जी ड्राइव चल रही है वो साम कल बड़ी सफलता मिली है। एक हरकीरत नाम का शख्स है जरा जलंधर तो इतने आके नशा तस्करी करता सी कपूरथला साड़ी टीम ने उन्होंने पहले इनफॉरमेशन सी तो एप्रीहेंड करने की कोशिश की तो वह अपनी गड्डी जी वाइट कलर की वरना वो वो भजा के लै गया साढ़े जरा सी आई ए की एक मोटरसाइकिल भी डैमेज करके उन्हें गलिया के जलंधर वालू भजा ली उन्हें रस्ते साड़ी साइंस सिटी चौंकी आती है चौंकी चार्ज में अलर्ट किया तो उन्हें अपनी गड्डी सामने लाई और उन्होंने रोकने की कोशिश की तो इन्हें वो उत्तों की भी चढ़ा के गड्डी लै गया साड़ा जिहड़ा ठाकुर सिंह एस आई है वह जख्मी हो गया इस दौरान तो उस तो बाद अगे जाके साड़ी टीम ने इसमें काबू किया। तो ये जो हरकीरत नाम का शख्स है ये को सू एक 32 बोर का रिवॉल्वर 200 ग्राम हैरोइन 100 ग्राम आइस ये बरामद हुई है। बाकी हाले इन्वेस्टिगेशन असं कर रहे हैं। पहली प्रिलिमिनरी जी सा पुछगिछ है वो तो पता लगे कि दिल्ली तो लैके आया इतने आके अगे सप्लाई करता से जोड़े शख्स को अगे सप्लाई करने वास्ते आया से वह नाम प्रिंस कुमार है वह असी रात में साड़ी टीम ने फड़िया तो वह तो भी अगर पुछगिछ की जा रही है। प्रिंस कितों का रहना प्रिंस कपूरथले का रहना सर क्रिमिनल का पिछला बैकग्राउंड ये दो तीन परचे ये हाले साढ़े को सामने आए हैं। बाकी होर हाले डीपली बाकी होर डिस्ट्रिक्ट या होर स्टेट्स के है वो हाले असं देखना सर प्रिंस नाम का व्यक्ति जो राजनीति पार्टी भी संबंधित रहता सानू इस बारे कोई नॉलेज नहीं हाले भी वो कि पार्टी कनैक्टेड है पर क्रिमिनल साढ़े वास्ते क्रिमिनल है असं जो भी वो बनती कार्रवाई दोषी है जोड़ा दोषी है जलंधर का रहने वाला है हरकीरत नाम ये तो असी एन डी पी एस एक्ट का परचा दिता तो आर्म्स एक्ट का परचा इनिशियली दिता उस तो बाद साढ़े जोड़े एस आई तो इन्हें जानलेवा हमला किया 307 का परचा सर की माड़े अंसर कहीं चेतावनी नहीं असं इन्हों सार काबू करके अपना काम छड़ दें तो असी बड़े सीरियस हैं सरकार ये बारे बड़ी संजीदा है और असी साड़ी टीम बहुत दिन रात एक की हुई है साढ़े ऑफिसर्स ने असी इन्हों पूरी तरह नत्थ पावांगे और ये साड़ी जिले का साड़ी स्टेट का यह माहौल असी खराब नहीं होना। सर कोई दोषी को पूछगिछ दौरान पता लगा कोई वड्डा समगलर जिहदे कोल लैके आया समान देखो जी हाले डिटेल सारी रात ही फड़िया सी ये जी इन्वेस्टिगेशन डिटेल थोड़े ना जो कोई बड़ा खुलासा होया तो थोड़े ना शेयर कर।